एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है, वो अब हम देख रहे हैं। अब हमारे पास हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से अराउंड अभी मैंने 10 एलिमेंट्स लिए हैं, दे आर इन नंबर। सबसे पहला है हाइड्रोजन, एच से डिनोट, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियम। ठीक है, देखिए ये है हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे, राइट, हीलियम सेकेंड पे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड यहां से सीक्वेंसेस चल रहे, ठीक है। और ये बना हुआ है, थर्ड शेल बनाई है हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, कि एक के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद करना इज क्वाइट सिंपल, जो नंबर है, जो सीक्वेंस नंबर है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को उस पर्टिकुलर एटम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको मेरे पीछे एक बहुत बड़ा गोला सा दिख रहा होगा, दिस इज न्यूक्लियस, और ये पर्टिकुलर किसी एक चीज का एटम है। तो यानी कि अब देखिए जो मेरा एक एटम होता है किसी भी चीज का, उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स बनी हुई होती हैं एनर्जी की, पर्टिकुलर एनर्जी की पर्टिकुलर शेल है, टोटल बहुत सारी शेल्स हैं। हमने बेसिकली यहां पर चार शेल लिए एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम के एल एम एंड एन। के एल एम एन क्यों? क्योंकि सीक्वेंस ऐसा ही, राइट, ओके। ये फर्स्ट शेल है, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। हमें फिलिंग खाली थर्ड तक याद है। अब देखिए इन शेल्स के अंदर क्या होता है, इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम के अंदर होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इन शेल के अंदर रिवॉल्व करेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा, कंबाइन होगा। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं एक शेल में, उसका भी हमारा एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n². n क्या होगा? उस शेल का नंबर। सपोज कीजिए मैं फर्स्ट शेल के शेल की बात कर रहा हूं, के शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, इसका मतलब 2n² के अकॉर्डिंग में इसमें सबसे ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं। कितने भर सकता हूं? 2, ठीक है। सेकेंड एल शेल के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 2, और मैं मैक्सिमम ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं, मतलब इसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते। थर्ड शेल फॉर एम इज इक्वल टू 3, टोटल एम की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 9 2 18, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग थर्ड शेल के अंदर भर सकते हैं। और अब आती है फोर्थ नंबर की शेल, दैट इज एन शेल, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 2 32, यानी कि लास्ट के अंदर मैं 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता हूं। अब देखिए क्यों करने हैं, उससे पहले चीज समझ, अगर फर्स्ट शेल के अंदर 2 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम कहलाएगा अनस्टेबल, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कहलाएगा स्टेबल। अब बात आती है स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल वो मस्ट, जिसको कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना, जैसे ही कोई भी एटम स्टेबल हुआ वो किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं करेगा, ना ही वो फर्दर रिएक्शंस करे हो, ना ही वो फर्दर किसी से कंबाइन होगा, मतलब वो मस्ट बैठा रहेगा। अगर वो स्टेबल हो गया तो उसको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो स्टेबल होने की कंडीशन है, अगर के शेल है तो 2, और बाकी बची हुई शेल है तो उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट शेल में। ये मैं बात कर रहा हूं वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल का मतलब होता है कि लास्ट शेल जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अदर देन के शेल है, तो हम उसको बोलेंगे स्टेबल। ना 8 से ज्यादा होने चाहिए, ना ही 8 से कम होने चाहिए। तो लास्ट शेल के अंदर जो भी शेल हो
उसके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तब तो वो स्टेबल होगी, अगर 8 से ज्यादा या 8 से कम तो वो स्टेबल नहीं होगा और फिर वो इधर उधर भागेगा किसी एटम या किसी अदर मॉलिक्यूल से कंबाइन होने। ठीक है, अनस्टेबल वही टेंशन वाली सिचुएशंस, राइट। शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, राइट। अब देखिए मैं बात करता हूं वैलेंस शेल होती क्या है, ठीक है ना। देखिए मैं सबसे पहले यहां पे नंबर लेता हूं, सिर्फ फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का नंबर है 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7। फिलिंग कैसे होगी वो देखिए, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पहली केस है आप मैक्सिमम 2 अकोमोडेट कर सकते हैं, 1 भर दिया 2 भर दिया, कितने बचे 5 और रह गए। एल शेल में 8 भर सकता हूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए अब बात आती है स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबल है तो कंपाउंड बनाने घूमेगा वरना बैठ जाएगा। अब आया ये नाइट्रोजन, पहला शेल के आखिरी शेल कौन सा है, एम। मुझे अंदर वाले शेल से कोई मतलब नहीं है, मैं बात करूंगा खाली एल शेल की। ये जो एल शेल है आउटर मोस्ट शेल, दिस इज नोन एज वैलेंस शेल, और इस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब यहां पर खाली 1, 2, 3, 4 और 5 कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबिलिटी के लिए। अब ये क्या करेगा, किसी और एटम से 3 लेगा, उसके साथ कंपाउंड बनाएगा और स्टेबल होके मस्त हो जाएगा। ये कारण है जिसकी वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है टू अचीव द स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन, देखिए ये मैं लेके आया सबसे पहले हाइड्रोजन पहला नंबर, दिस इज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का के शेल है और के शेल में कितने भर सकते हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास गलती से कितना है, 1। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 2 नहीं है और ये इसका वैलेंस शेल है। अब ये इधर उधर घूमेगा, मैं किसके साथ जोड़ू, मैं किसके साथ जोड़, ठीक है, राइट। अब देखिए मैं सबसे पहले एलिमेंट बनाऊंगा और फिर एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा, मैं लाया एक और हाइड्रोजन को, ये शेयर करेंगे, राइट। ये आ गया, ये भी अनस्टेबल। अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा और ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। और मेरा जो कंपाउंड बनेगा, ये देखिए मैं पहले वाले एच के लिए बना रहा हूं, ये पहले वाले एच के लिए 2 बन गए, ये दूसरे वाले एच के लिए बनाए, देखिए ये दूसरे वाले एच के लिए 2 बन गए, ठीक है। इसको एक और तरीके से देखिए, ये एक हाइड्रोजन और इसके पास ये खाली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दे भी सकता है और ये ले भी सकता है, ठीक है, राइट। अब देखिए अब क्या होगा, जब मैं इस वाले हाइड्रोजन को देखूंगा तो ये इस तरीके से कंबाइन हुआ, शेयरिंग कर ली इसने इसके साथ, और ये इस वाले से इस तरीके से कंबाइन हुआ। अब अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन में देखूं जिसे शेयर कर रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन में देखूं तो ये वाले हाइड्रोजन के पास 1 और 1 2 हो गया आउटर मोस्ट शेयर फेल, इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 और 1 ये 2 और ये दोनों हो गए बॉन्डेड, तो ये कितने हाइड्रोजन मिलकर स्टेबल हो गए, 2 हाइड्रोजन मिलकर स्टेबल हो गया। इसी तरीके से मेरे एक एलिमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं H2O का, ये एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और उसके पास A, और यहां पे मैं लेता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर है फ्रेंड्स 8, ठीक है, के शेल एल शेल 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए इसको कितने की जरूरत है, 2 की,
और जैसे ये दो ले लेगा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। चाहिए दो, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो अब या तो ये छह दे या फिर दो ले, एनर्जी के अकॉर्डिंग दो लेना आसान है, छह देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है छह देना। तो ये दो लेगा, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन आया इसके साथ और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और इस हाइड्रोजन ने अपना एक एटम इसके साथ शेयर कर दिया, ठीक है, राइट। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जुड़ गया। अब मेरे ऑक्सीजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा, मैं एक और हाइड्रोजन लेके आता हूं, मैं एक और हाइड्रोजन लेके आया और इस हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां से आके इसके साथ और दे दिया। इनके पास भी फुल, इसके पास भी फुल, और देखिए इसके पास एट हो गए। तो अब एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन मिलके स्टेबल बना, यहां पे दो हाइड्रोजन यूज किए और एक मैंने क्या यूज किया, ऑक्सीजन। किस तरीके से बनाएंगे, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ये इसके आउटर मोस्ट। फ्रेंड्स बात करनी है खाली आउटर मोस्ट शेल की, यहां पर थे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 वन, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ शेयर करेगा कुछ इस तरीके से, हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 इस हाइड्रोजन के, ये दो जुड़ गए, ठीक है। अब इसकी बात करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन इससे इस तरीके से शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन इससे इस तरीके से, और ये पूरा इस तरीके से। तो ऑक्सीजन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 हाइड्रोजन के 1 and 2, हाइड्रोजन के 1 and 2, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन लगे, ये एक एच, एक ओ और एक एच मिलके बन गया H2O। तो ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है, और जब तक स्टेबिलिटी नहीं हो जाती तब तक वो एक दूसरे से कंबाइन होते रहेंगे, और इसी के बेसिस पे हम लोगों के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने एक वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया और इससे पहले हम लोगों ने एक एलिमेंट का फॉर्मेशन किया। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जो बनाना सीखा है दैट इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज मॉलिक्यूल। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे विथ अदर लॉज एंड इट्स अदर प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी।